हेलो एवरीवन वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर टू इज मैटर अराउंड को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक है ट्रू सल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का एक अकेला टाइप है और जैसा कि यहाँ पे एक मिक्सचर वर्ड यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली टू या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा सल्यूशन सोल्यूशन के अंदर आपको ही पता है कि क्या कंटेन uh, करता है सोल्वेंट एंड सल्यूट एज इट्स कॉम्पोनेट द कम्पोनेट इन द लार्जर सोल्यूशन जो कॉम्पोनेट लार्जर अमाउंट में होता है सोलवेंट जो स्मॉलर अमाउंट में लेसर अमाउंट में होता है वो होता है सल्यूट एग्जाम्पल के लिए इसमें तो एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट बहुत ही सारे हैं सल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वॉटर सल्यूशन ऑफ शुगर इन वॉटर आयोडीन इन वॉटर देखो

तो सस्पेंशन भी एक ट्रोजिनियस मिक्सचर है उसमें भी आप सारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी लिख देना सो so इजी लेकिन जो कोलॉइड है कोलॉइड के अंदर आपको ये आप रखना की वो वो आप जब वाल, वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको सब समझ आ जाएगा उसमें आप लिखोगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और टिंडल इफेक्ट के जो टिंडल इफेक्ट वाला पॉइंट है वो भी का लिखोगे लेकिन उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होमोजीनियस मिक्सचर की होती है ठीक है आप वाली वीडियो देखना कोलॉइड वाली आपको सब समझ आ जाएगा अभी हम ट्रू सोल्यूशन कर रहे हैं फिलहाल तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो नेक डाई से विजिबल नहीं होंगे सॉल्ट को अगर एक बार वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या सॉल्ट विजिबल होगा आप अपनी आई से आप देख पाओगे बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे क्यों क्योंकि उसका साइज वन नैनोमीटर से भी छोटा होता है सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन जो सल्यूट पार्टिकल है सल्यूट पार्टिकल अभी कौन सा है सॉल्ट क्योंकि वो है लेसर अमाउंट में तो जो सल्यूट पार्टिकल है वो फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकता द सल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन अब जब सॉल्ट आपको दिख ही नहीं रहा है सॉल्ट जब सेपरेट ही नहीं हो रहा है फिल्टरेशन के थ्रू तो वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा इसका मतलब सोल्यूशन स्टेबल है याद रखना अगर कोई भी सल्यूट पार्टिकल नीचे नहीं बैठता है तो वो स्टेबल है और अगर नीचे बैठ जाता है तो वो अनस्टेबल है तो यहां पे आप लिख सकते हो स्मॉल में कि सोल्यूशन इज स्टेबल फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ अ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोलूशन जो पार्टिकल्स हैं जो सोल्यूट पार्टिकल है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते हैं ठीक है यहां पे ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है क्लियर वाटर होगा तो इसलिए जो बीम ऑफ लाइट होगी वो आपको नहीं दिखेगी मतलब टिंडल इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व

सॉलिड का एग्जाम्पल दो मतलब ऐसा सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल दो तो आप दोगे एलोइ लिक्विड में आप दे दोगे लिक्विड में तो बहुत सारे हैं लेमन एंड वाटर दे दिया गैस में आप दोगे एयर ओके एयर देखो होती है होमोजीनियस मिक्सर लेकिन अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाए तो वो क्या हो जाती है और ये तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन सल्यूट क्या होता है जो कि सल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट हो जैसे सोडा लेमन पोटेशियम पर मैंगनेट एंड आयोडीन एक्सेट्रा और सोलवेंट क्या होता है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो जैसे वॉटर एंड एल्कोहल एक्सेट्रा ओके प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे आप सैच्यटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है ऐसा कंडीशन आ जाए एक टेम्परेचर पे गिवन टेम्परेचर पे आप उसमें और सोल्यूट डाल ही ना सको तो आप क्या लोगे फिफ्टी मिलीलीटर वाटर लोगे दो बीकर के अंदर एक बीकर के आप अंदर सॉल्ट सोल्ट उसको घुमाते घुमाते डालते जाओ ठीक है जब तक उसके अंदर और सॉल्ट होने लायक बचे ही ना और सिमिलरली दूसरे बीकर में आप शुगर डालते जाओ जब तक ऐसा टाइम आ जाए जब उसमें शुगर डिजॉल्व हो ही ना पाए वी गेट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर तो हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा सॉल्ट और शुगर का बेसिकली होता क्या है? जब आप उसमें नो मोर सोल्यूट और सोल्यूट आप मिक्स ही ना कर पाओ इफ द मिक्सर अगर आप उन दोनों को हीट को करोगे हीट करोगे तो, more, तो हो सके, हो सकता है कि थोड़ा सा सॉल्ट और शुगरिटी ऑफ डिफरेंट आर डिफरेंट दोनों सबस्टांस की सोलिबिलिटी डिफरेंट है सोलिबिलिटी क्या होता है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास मास्यूट क्या होगा अभी यहाँ पे ज्यादा होगा मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट जो जितना भी आपने लिया है फिफ्टी ऑफ वाटर लिया है तो वो सल्यूट पे डिपेंड करता है कि आपने सॉल्ट क्या पता ज्यादा डाला हो और शुगर कम तो द द द ऑफ सब्सटेंस विद सोलिबिलिटीचर और ऑफ द द सब्सटेंस इज आल्सो डिफरेंट डिफरेंट एट सोलिबिलिटीचर ठीक है तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन के कॉम्पोनेट्स सोल्यूशन के टाइप्स सोल्यूशन फाउंड इन थ्री स्टेट्स टाइप्स ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड सोलिबिलिटी एंड अन्य सोल्यूशन सल्यूशन की डेफिनेशन एग्जाम्पल और कैसे बनाना है आपको सेचुरेटेड सोल्यूशन देख लिया है तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच